कीचड़ का मामला में अवार्ड मिलेगा तो हमारे गांव में मिलेगा। ये पुलिस वाले इसी पानी ने पीड़ना हो जहाँ साफ करके ना। सारे भाई ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और जुगर मामने कही थी भाई हमारा चैनल पर लाइव आके हम बोल रहा कि देखिए जो भी समस्या था हमने दिखा तो हमारे बता दे रही हो भाई। तो रामराय गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, संस्कृत महाविद्यालय आ रहे है और भाई बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और सब तो बड़ी बात यह है जुलाना का जो विधायक है परमेंद्र डूल वो भी इसे काम का है और हम के लगे भाई अपना का भी देख दे रहा हूँ क्योंकि कोई भी साधन जाओगे और गले छिट्टे लग जाएंगे इसलिए लग जाएंगे क्योंकि आड़े निकासी की आ रही है समस्या और यू अप्रोच रोड है जो कई गाँव में मिला है तो आड़े के कुछ निवासी हैं इन तम पूछेंगे बारी बारी तय। आ जाओ भाई इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ तो आ जाओ। हाँ भाई क्या नाम तेरा? कुलदीप नाम है जी मेरा। अच्छा भाई तने फोन करा था कि? हाँ जी हाँ जी मैंने करा था। अच्छा भाई बता के समस्या क्योंकि देख तो रहे हैं हालात तो बड़े बदतर हालात हैं। गांव की समस्या मेन तो कीचड़े है जी, गांव का कोई विकास नहीं इसके कारण। अच्छा। ना कोई विकास अगर अंदर हो रहा तो बाहर की तरफ से दिख भी नहीं रहा। मेन समस्या ये एक तो स्कूली बच्चों ने प्रॉब्लम हुआ है, आन जान की पूरी समस्या। ये मेन रोड है जो भिवानी रोड पर निकला है, इसमें तो पोखरी खेड़ी भी आ गया, पोखरी खेड़ी जाओ इगरा जाओ है भाई एक जगह इकट्ठे हो जाओ और बागन वाला रोड है जो यही है बागन वाला भी यही रोड जाओ है। अच्छा भाई क्या गांव बीच में आगे भिवानी रोड तक जाने में? इसमें आगे जो पांच गांव है। अच्छा पांच गांव है। अच्छा भाई तो हम फिर इसकी शिकायत सरपंच जो अपनी जो ग्राम पंचायत है उसका नहीं उनको बता दिया, उनके नोटिस में है ये बात लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा भाई हाँ जी तो क्या है सरपंच? राम राम बस विकास तो निरा सरपंच तो आप देख दिखे रहा तो विधायक जी देखा दो विधायक जी के विधायक जी को नोटिस में तो है ये बात क्योंकि वो गांव में आए हैं तो उनको भी पता है ये बात है। तो कितने टाइम तक समस्या बन रही है? काफी साल से ये तो अभी तक कोई काम नहीं हो रहा अपना गांव में इसी हिसाब से देखे तो। अच्छा नुआ देख दे आओ तो इब लोग कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो जी, इतना बहुत परेशान हो रहे हैं बच्चे बूढ़े सब पशु सब, इसमें साधन बिल्कुल निकलने का बहुत मुश्किल है, मोटरसाइकिल का तो बिल्कुल काम ही नहीं है जो मतलब इस समस्या का। अच्छा एक चीज और हम कहना चाहेंगे दर्शकों तक, यह अकेले कीचड़ चिकड़ चिकड़ की समस्या नहीं है, इसके गिल्ले गिल्ले आ रहे हैं जो महामारी फैलेगी क्योंकि गंदगी तो महामारी फैलेगी। और भाई जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की वह भी आ रहा है, देखो दत्ता नजर आ रही है भाई बहुत बुरा हाल है, गंदगी हम देखने लग रहे हो तो हम इस टाइम तस्वीरें हैं देखो इसमें गंदगी है। तो भाई एक बार मार पर थोड़ी जानकारी आई थी थोड़ा बीच में सुधार सा भी होने लग गया था कि मैं बीच में सुधार होने लग गया था लेकिन उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। ये बाबू साइड देखो उधर तक नाला की खुदाई होगी थी दोबारा फिर बंद हो गया, ये देखो नाला का है ये नाला का है। अच्छा फिर बंद हो गया आगे फिर रुक गया। इसमें रातों को मानस पड़ जाए तो मेरे सामने इधर तक कई बुजुर्ग ने भी काटा हाँ गिरजे हैं जो बेचारे बच्चे हैं स्कूली बच्चे हैं। अच्छा, अब आपने भी देख लिया शूट कर लग रहे हो तो ये बच्चे भी तंग हो रहे हैं। बाबू सर पर सारी उन्होंने बता रहा है जी बता दे भाई भाई आंगा ला तेरा बाबू ने काम नहीं आगे तो भाई कुल मिला देखो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह समस्या ऐस के खून की नहीं है, समस्या गंभीर या गंभीर समस्या भाई। हम भी जो उठ का आए हैं अपना स्टूडियो तक तक तो यह समस्या इसलिए दिखाना चाहूंगा दर्शकों से क्योंकि इसके गल कई समस्या जुड़ी हुई है। जिस तरह यू भाई को पांच गांव इस अप्रोच रोड पर आवे हैं भिवानी रोड तक पहुंचने में, उन गांव में तो जो छोरे छोरी आवे स्कूल में पढ़ने आड़े भी स्कूल होंगे भाई तो उनने पहली दिक्कत स्कूल में आने वाले बालकों की दिक्कत। दूसरी समस्या की है आड़े जो यू नाला बनया था यू नाला ईसा बनया ना बरगा इस तरह ना बनता तो मेरे ख्याल से यू जो यू हो रहा यू खड़ा बड़ा और इसमें कोई भी मेरे ख्याल डांगर पशु कोई भी पड़ सका भाई। तो यह है दूसरी समस्या। तीसरी भाई आड़े को जीप को साधन लिख रहेगा को मारा पर ठीक ठाक से कपड़े पैर के चल लगा तो भाई गले छींटे भी लागेंगे मारे। तीसरी है यह समस्या। चौथी भाई आड़े जो महामारी फैलेगी उसके बाद जो बीमारी फैलेंगी बीमारी फैलेंगी चौथी है बात समस्या। और भाई पांचवी समस्या है गांव की हंसी होगी, मेरे ख्याल से गांव की भी एक किस्म तो हंसी है। धार्मिक सतल है, धार्मिक सतल है, इसमें राम मंदिर तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र जीवाड़ा तीर्थ है उतना ही महत्वपूर्ण ये है, उतना ही महत्व इसका कुरुक्षेत्र का। अच्छा भाई बाबा परशुराम का प्राचीन मंदिर है बहुत दूर दूर तक, यहाँ कब से बना वो 1912 से पहले का है प्राचीन मंदिर है पूरा, तो संस्कृत महाविद्यालय है, धार्मिक स्थल है पूरा ये रामरा गांव धार्मिक स्थल है बहुत पुराना है ये जो हाँ जो तीर्थ है ये श्री राम भगवान ने और सीता माता ने खुदाई करी थी इसकी खुद। तो भाई प्रशासन से अपील कर दे भाई क्या करना चाहोगे? प्रशासन से मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाए, जो गाँव की समस्या है वो दिखी रही है तो एक बार इसको आगे देखो और ठीक करवाए। चलो भाई एक चीज मैं थारा भी धन्यवाद नू देना चाहूंगा क्योंकि तुम जागरूक हो तो कम से कम तो हमने मार दूर फोन कर दिया, नहीं तो लोगों की इसी आदत हो रही है बच्चे जमा घर का गए खड़े खुदे रहो लोग बोलते ही नहीं, ये बोल रहे हैं अच्छी बात है लेकिन इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान क्यों करो होगा
जो मारा द्वारा जानकारी है पीडब्ल्यूडी का अंडर में आवा है, ये जो मेन रास्ता है जो भिवानी रोड पर जो मिला है, तो पीडब्ल्यूडी का अंडर में यू आवा है जो प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो में देखने लग रहे हैं वह सुनो भाई, यह समस्या तो इन गाँव वाले ने बताई है लेकिन मारे तक जो भाइयों ने जो बताई है इस समस्या के बारे में जो जानकारी हम आज चैनल के माध्यम से दर्शकों दे रहे हैं, तो इसी समस्या और गाँव में भी हो सके हैं। तो हमने कहा था हमारे दर्शकों से भाई आप व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए मारे को बताया करो भाई किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मारी जड़ तक पैर बसाओगी भाई मारे हाथ में तो यह है, यह हमारी AK-47 समझ लो भाई। इसका माध्यम से जितनी समस्या हम दिखाए इसका उतनी हमने दिखाई है और कुल मिलाकर नू का इसका नरकीय हालात हैं भाई। रामराय गांव इनू कह लो एक तरफ तो ऐतिहासिक गांव और भाई गल्ला गल्ला इनू का तीर्थ स्थली भी है या विद्वानों की स्थली भी है क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। और कुछ कहना चाहो भाई? हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद करमू भाई, आप इधर आया हमारे गांव की जो समस्या वो आपने बताई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी बताओ हो तो हमने बेरा पटाया क्योंकि क्या होता है देख ये मसा बचे हैं भाई जब मड़े और नुन होंगे नी अड़ नहीं लागे ये लागे गए चिट्टे भाई। तो भाई कुल मिलाकर देखो यू मामला बहुत गंभीर है, पेचीदा मामला है और लंबी समस्याएं कह रहे हैं जिम्मेवार इसका जो पहले कई बार आए मैं देखने डीसी भी आया था एक बार यहाँ उन्हें मैं बोले थे क्या नाम था विनय सिंह जो आए थे वही उन्होंने कहा था पीडब्ल्यूडी वालों को बोल के करवाएंगे इसका समाधान जो भी है फिर कुछ समाधान नहीं हुआ तक भाई। कुल मिला के नुकस कहा भाई यू मामला थोड़ा थोड़ा उठे है बीच में फिर ठंडा बस्तम पड़ जाए तो खतरनाक हालात इसलिए है भाई सारे डाल की समस्या नुका आ रहे हैं जरा गंदगी हो जाए ना सारी समस्या पन प्यार है तो गंदगी है और गंदगी छोटी मोटी नहीं भयंकर गंदगी है। कितनी दूर तक होगा भाई ये? कम से कम 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। पूरा काम पूरा काम कवर कर रखे इसने कीचड़ ने, यानी कि कीचड़ की डेवलप चिक्कड़ की डेवलपमेंट। हाँ अगर कीचड़ का मामला अवार्ड में लगा तो हमारे गांव में मिलेगा। ठीक कह रहा भाई देख भाई ने रामरा कहने लगे पहले धर्मिंद से तलवा करता तो कीचड़ वाली रामरा लगे कहने ने। ओहो देखो भाई गहरी बात लगड़ गई पहले धार्मिक सतल रामरा कार दे चिक्कड़ वाला रामरा है जड़ा चिक्कड़ है। तो भाई कुल मिला के यू भाई नू भी कह रहा है कुलदीप भाई जी ने फोन करके मां बुलाए थे यू नू और कहने लग रहा है बोले जब चिक्कड़ का मामला में अवार्ड मिलने लग गया नहीं उसमें तो हमारा रामरा नंबर वन आ जाएगा लेकिन अरे गंदगी का मामला में जो हमारे जो हालात हो रही है बद से बदतर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मारी भी आए अपील है भाई प्रशासनिक जो जितने भी अधिकारी हैं जितना थोड़ा इस समस्या का समाधान हो भाई उतना बढ़िया। हरीफ जुकर यू ओवरटेक करेगा नून तय और जब थोड़ा और टायर नून चलेगा तो भाई मेरे जहाँ करेन बुला के ठवाना पड़ेगा हालात। हाँ करेन क्योंकि फंसे रहते होंगे रात बिरात ना अंधेरा में किसी ने बेरा पटाया वो नाला है क्यूकर है हालात बहुत खराब है भाई। प्रशासनिक अधिकारियों तक हमारी बात पहुँच गई है और जब नहीं भी पहुँची हो तो तम इसने पहुँचा दियो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी हो भाई। हालांकि जानकारी तो है उन्हें लेकिन असर पड़ना चाहिए असर गिरने खातर हम इस मुद्दा ने लेकर आए हैं भाई। असर का मतलब नू नहीं है भाई हमने ये मुद्दा ठह दिया और खबर हम दिखाने खातर ई तारे ऊपर छोड़ दी भाई दर्शकों के ऊपर बात इन्हें ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तोड़ा एक्शन ले और इस नरक तेईस गांव ने मुक्ति मिले भाई। तो भाई देखो तो हम हालात बद से बदतर हैं एक ताई है या भी अपना दुखड़ा रोन लग रही ना पूछांगे ताई कत्ते समस्या बन रही है या तो कई साल तो समस्या बन रही है भाई हम तो बहुत तंग सा लकड़े नहीं जाता मारा पतो सारे जूते खराब घर भी खराब राम तो जमा तंग सा लोग नाला नहीं लकड़न दें दे। किसी तो शिकायत नहीं करते हम शिकायत आवे है जब तो ये पुलिस वाले इसी पानी ने पीड़ना हो जहाँ साफ करके ना वो आया था तो जो सीएम आया था जब इसमें कोई दिक्कत नहीं रोड़े मर मर सारा साफ कर दिया पानी निकलता ना तो उसने पी लेंदे जी मुख्यमंत्री आया तो साफ मुख्यमंत्री का तो साफ है तारा का मारी खातर तो गंद है भी कई साल हो गए भाई नरक सही जमा बढ़ना का तो हम आधे खड़े हो जाए वहाँ इतना खर्चा है। तो भाई हालात बद से बदतर है और थोड़ा तो हमने मजाक के अंदाज जरूर लगा हुआ लेकिन बहुत गहरी बात कही है ताई ने भाई नरक जैसे हालात अड़े बन रहे हैं तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए भाई। शोर कोई बना करता है कोई निष्क्रिय तो कोई सुनाई ये नहीं कर रहा कई साल हो गए हम तो इसे तंग सा कोई सुनाई नहीं पाछे एक बार और हुई थी आके ये बनेगा किसे ने रुक जाए बस रुका गेर के ना कई बार माफ तो लो ली इसकी कोई नहीं बनता इसका। बहुत बहुत धन्यवाद मैं हूँ तारा देशी पत्रकार करमू।